नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में गुरुवार का व्रत करने से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा करने की परंपरा है। इस बार जहां 17 दिसंबर को तीसरे गुरुवार की पूजा की गई और अंतिम गुरुवार का व्रत 24 दिसंबर यानी आज किया जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को करें। एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती है और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। बता दें कि अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन गुरुवार को अगर सुहागिने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगर निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करे तो माँ प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती है। इस परंपरा का निर्वाह आज के दौर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। सुहागिनी व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोकती है। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती है उनके घर में धन के साथ खुशहाली आती है और साथ ही लक्ष्मी और तुलसी की एक साथ में पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं किस विधि से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह करने से परिवार में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है, इसलिए इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं और दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कथा सुनती हैं। इस दिन महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाती है और इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि हर गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए हर गुरुवार को अलग भोग माता के लिए बनाएं। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद आस पड़ोस की महिलाओं, बहु बेटियों में, इस प्रकार अगहन माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता के अनुसार अगहन गुरुवार में माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती है और इस अवसर पर जो भक्त माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है उसे अपार सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।